भरतपुर डीह क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल हरवीर चाहर का ट्रांसफर किए जाने पर ग्रामीण और बच्चों ने स्कूल के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लेकर ग्रामीणों और छात्र छात्राओं में भारी रोष व्याप्त थे। उधर ग्रामीणों का कहना है कि प्रिंसिपल ने गांव के स्कूल में शिक्षा के साथ अनुशासन स्कूल के नामांकन में 125% की वृद्धि व स्कूल को 2 स्टार से 5 स्टार रैंक दिलवाया है। वहीं जिले में टॉप 3 स्कूलों में यह स्कूल दूसरे नंबर पर है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शैक्षिक स्तर, कठोर अनुशासन, छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था, 5 स्टार रैंक, जिले में टॉप 3 में दूसरा स्थान, हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम एवं भामाशाहों को विद्यालय विकास के लिए प्रेरित कर भवन निर्माण करने के उपलक्ष्य में प्रिंसिपल को 5 सितंबर को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया था और उसी प्रधानाचार्य का स्थानांतरण भरतपुर के डिग से बाड़मेर कर दिया गया, जो न्याय उचित नहीं है। उधर स्कूल की छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल सर की वजह से हम स्कूल में कठोर अनुशासन व हम सुरक्षित है, तो इसका श्रेय हमारे प्रिंसिपल हरवीर सर की वजह से है, जहां हम कुशल नेतृत्व में पढ़ाई कर रही है। छात्राओं ने बताया कि हमारे स्कूल को राजस्थान भर में एक आदर्श मॉडल और अच्छे स्कूलों का दर्जा प्राप्त कराने में भी हमारे प्रिंसिपल का हाथ है। छात्राओं ने नाराजगी जताते हुए शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रिंसिपल नहीं तो स्कूल नहीं, और या तो हमें प्रिंसिपल दो या टीसी दो के नारे लगाए। ग्रामीणों व स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल का स्थानांतरण रुकवाने की मांग की है। भरतपुर से हेमसी कुशवाहा की रिपोर्ट। परेशान है, कल हमारे सर का, प्रिंसिपल सर का वो ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। तो देखो, ये 12वीं का छात्र है, ये उनकी बातें सुनिए। सभी लड़की और लड़के परेशान है। यहाँ पर आऊ गांव की सभी, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रवासी के बच्चे, 5-7 गांव के बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और उनके प्रिंसिपल 5 सितंबर को, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था, उनको 30 सितंबर को उनका ट्रांसफर बाड़मेर कर दिया गया। ये कैसी अव्यवस्था है, और बच्चों का बहुत ही भविष्य खराब होने की तरफ में, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, इस कारण उन्होंने बच्चों ने जनसैलाब किया है। बच्चों से देखो, पूछे बच्चे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं।